सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 3 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्यपुस्तक मेधा का पाठ 7 दर्द जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और समझ लिया है, और हमने इसके शब्दार्थ भी कर लिए हैं और मौखिक प्रश्नों के उत्तर, लिखित प्रश्नों के उत्तर कर लिए, और घटनाक्रम को लिखना वो भी सिक्वेंस में वो भी हमने कर लिया है। अब बारी है बेटा जीने की राह और भाषा की दुनिया की। तो जीने की राह में यह है, माली काका ने गौतम को फूल तोड़ते देख लिया, फिर भी उन्होंने गौतम को डांटा नहीं, उन्होंने उसे केवल समझाया। इससे उनके स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? तो आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और आपको समझ में आएगा कि है ना, उनके वो कैसे सहज सरल स्वभाव के थे और बच्चों को प्यार, माने बच्चों को प्यार से समझाते थे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, ये चीज़ हम लिख सकते हैं, है ना। और दूसरा है, आपने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी जिससे उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आपको जो मन में आता आप करेंगे, भैया को मनाएंगे, भैया को सॉरी बोलेंगे, या उनकी उनकी मन की बात को हम करेंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं, है ना। अब है बेटा भाषा की दुनिया। इसमें सबसे पहले है श्रुतलेख। श्रुतलेख के शब्द हैं सुहानी, खूबसूरत, क्यारी, सुंदरता, जिंदगी, आकर्षित, पंखुड़ियाँ और दर्द। ये 8 शब्द हैं बेटा, इनको आपको बार बार पढ़ना है, समझना है, और इसका श्रुतलेख भी आपको ही लेना है। अब है प्रश्न 2। इन संयुक्त अक्षर वाले एक एक शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। संयुक्त मैंने जुड़े हुए, 2 अक्षर मिलके एक अक्षर बनता है, उसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो क में क आधा और य पूरा मिला हुआ है, तो इससे मिलता हुआ शब्द क्या है बेटा? क्यारी। और ख है क में र लगा हुआ है पूरा, नीचे नीचे लगने वाला र पूरा होता है, ऊपर लगने वाला आधा होता है, राइट। तो क्र से मिल क्र वाला शब्द कौन सा है? क्रिकेट। और ग है आधा स और त, स्त। तो इसमें ये शब्द है दोस्त। घ है आधा क और त, वक्त। और अंग है आधा श और ट, कष्ट। और च है आधा ध और य, ध्यान। तो ये पेज नंबर 51 हमारा पूरा हो गया बेटा। अब आप निकालेंगे पेज नंबर 52, ठीक है। अब पेज नंबर 52 में क्या है? सबसे पहले पेज नंबर 52 में सबसे ऊपर है इन वाक्यों को देखिए। इन वाक्यों को देखना है हमें, और इसमें क्या लिखा है? गौतम ने खिड़की से देखा, उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। तो देखा और दौड़ाई शब्द किसी न किसी काम के बारे में बता रहे हैं। जो शब्द काम के होने या करने का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिया। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो इन शब्दों में से क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। दुखी, दुखी तो नहीं है क्रिया। समझाना क्रिया है, इसको हमने गोला लगा दिया। फेंकना भी क्रिया है, इसको भी गोला लगा दिया। फूल क्रिया नहीं है। खेलना क्रिया, उसको गोला बनाया। तोड़ना भी क्रिया, उसको हमने गोला बना दिया। बगीचा क्रिया नहीं है। मोती क्रिया नहीं है। रविवार भी नहीं है। टहनी भी नहीं है। और धूल भी नहीं है। देना एक क्रिया है, उसको हमने गोला बनाया है। अंगूठा नहीं है। हंसना क्रिया है, काम करना है ना बेटा, तो हंसना को हमने गोला बना दिया। आंसू नहीं है। अब है प्रश्न 4 पेज नंबर 52 पर। आप यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे बेटा जहाँ हम पढ़ रहे हैं, बताइए कि पाठ में आए ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। तो कौशल, कौशल क्या है बेटा? कौशल है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, और माली जातिवाचक संज्ञा, और तितली भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगी क्योंकि उसका नाम है। और उसके बाद है बेटा ये गौतम, गौतम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो पहला है क वाला ओस। ओस है पत्तों पर ओस की बूंदें थीं, उसको हमने अंडरलाइन किया ताकि समझ में आए कि इस शब्द से हमने वाक्य बनाया है। ख है दुखी, गलत काम करने वाले दुखी रहते हैं, दुखी पे अंडरलाइन कर दिया। ग है खुशबू, बगीचे में फूलों की खुशबू आ रही है, खुशबू को अंडरलाइन हमने कर दिया। घ है टहनी, गुलाब का फूल टहनी पर झूल रहा था,
तो टैनी को अंडरलाइन कर दिया हमने बेटा। अब है प्रश्न 6, इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो क है खुशबू का विलोम शब्द है बदबू, सुगंध और दुर्गंध, तो बदबू हम टिक करेंगे। और ख है माली का स्त्रीलिंग रूप होता है मालाइन, मालिन और मालिनी, तो नंबर 2 वाला सही है मालिन, ठीक है। अब है ग, इनमें से शुद्ध शब्द है खूबसूरत, 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 तीसरा वाला सही, इसको हमने टिक कर दिया, ठीक है। अब है बेटा रचना का संसार, आपके किसी मित्र ने आपको बहुत बुरा भला कहा जिससे आपको दुख हुआ, अब आप उस मित्र के साथ कैसा बर्ताव रखेंगे, ये भी आप सोच के एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। फूलों से हम क्या क्या सीख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं। निर्देश के अनुसार चित्र बनाइए, उनके नाम भी लिखिए। अब इसमें निर्देश क्या दिया है, फूलों का राजा कौन सा है बेटा, गुलाब, गुलाब का पिक्चर यहाँ बनाएंगे, नीचे उसका नाम लिखेंगे। और हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल, कमल का यहाँ पिक्चर बनाएंगे और नीचे नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये एज ए प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं लास्ट में मौखिक प्रश्नों के उत्तर के बाद। मौखिक प्रश्नों के कॉपी में सबसे पहले आप ऊपर पाठ का नाम, फिर शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द, मौखिक प्रश्न उनके उत्तर, और अतिरिक्त एक या दो प्रश्नोत्तर, उसके बाद प्रोजेक्ट, एज ए प्रोजेक्ट, ठीक है बेटा। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपका गृह कार्य यही है, ये जो बुक एक्सरसाइज हमने समझाई है इसको आपको पूरा करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।